बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ नेक डिज़ाइन। ये मेरे पास 5 इंच चौड़ी मेरे पास बुकरम है, फ्यूज बुकरम है, और ये मैं 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ। मैं बोट गला बनाऊँगी और 3.5 इंच में इसकी लंबाई ले रही हूँ, आप 4 भी ले सकते हैं। और इस तरह से मैं इसमें गुलाई दे दूँगी। और अब यहाँ से मैं 2 इंच पे निशान लगाऊंगी, इधर से हम 1 इंच पे निशान लगा रहे हैं। और अब हम इसको इस तरह से गुलाई देंगे। ये निशान से थोड़ा नीचे जा रहा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ 1.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और इधर से भी हम इसे कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसे कपड़े पर रख कर प्रेस करेंगे। और ये हमारा बैक साइड का नेक है, इसको भी मैंने फ्यूज बुकरम पे कट किया है। इसे अब हम कपड़े पर रख कर प्रेस करेंगे। ये देखें, हमने कपड़े पर आयरन की मदद से इसे चिपका लिया है। ये बैक का है और वो फ्रंट का है। अब हम इसको इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली। यहाँ पर भी हम कट का निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से हम फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे। पहले सिलाई हम ये नेक के यहाँ पर लगाएंगे, अंदर की साइड। अब हम इस तरह से इसको फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे। ये बहुत सिंपल और आसान सा नेक है, बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। ये मैं फ्रॉक बना रही हूँ तो ये उसका योक है फ्रॉक का, और ये मैं नेक इसी में बना रही हूँ। पहले हम इसमें बीच में कट का निशान लगा लेंगे सेंटर में, और इसके भी सेंटर में हम कट का निशान लगा लेंगे। ये मैंने योक को सीधी साइड से रखा है और नेक को इस ये कट जो हमने डिज़ाइन बनाया है इसको उल्टी साइड रखकर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। पहले हम सिलाई इसके सेंटर में लगाएंगे। ये मैं दोनों साइड पे इसमें पिने लगा रही हूँ पहले। अब हम इसके सेंटर में सिलाई लगाएंगे और फिर इस तरह से इसमें सिलाई लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
ये देखें इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली। अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे। पहले कोने पे भी हम थोड़ा कपड़े पे कट लगा लेंगे। ये इस तरह से इसके कोने काट लेंगे थोड़े। ये कैंची की मदद से मैंने इसकी नोक निकाली है। ये देखें इस तरह से ये हमने गला तैयार कर लिया। इसको पहले मैं प्रेस करूँगी और ये देखें हमने इसे प्रेस कर लिया है। अब मैं इसमें तुरपाई करूँगी। ये देखें इस तरह से हमें इसमें तुरपाई करना है। ये देखें हमने इस तरह बारीक टांका लेना है जो बिल्कुल सफाई से हो। ये देखें इस तरह से मैंने नेक तैयार कर लिया है। ये बैक साइड का भी मैंने नेक तैयार कर लिया है। अब ये मेरे पास मोती है जो मैं इसमें लगाऊंगी। इस तरह से हम सुई की मदद से ये मोती है मेरे पास। ये दोबारा सुई हम इसमें से निकालेंगे और इसको पक्का कर देंगे। ये देखें इस तरह से ये हमने नेक तैयार कर लिया है। ये खूबसूरत सा सिंपल सा नेक हमने तैयार कर लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक कमेंट और शेयर करें हमारी वीडियो को।